नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर रिपोर्टर्स। दिस इज 27 जून 2022 विद मी। 27 जून 2022 की तमाम खबरों में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप इन सेशंस को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, डेली फॉलो कर रहे हैं और साथ ही रात की 10 बजे की एमसीक्यूज क्लास को भी फॉलो करते रहिएगा, जिसमें हम इसी करंट अफेयर्स क्लास के एमसीक्यूज करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप नए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो, ताकि आपको मेरी क्लासेस की नोटिफिकेशन, क्लासेस की अपडेट्स और सारे के सारे क्लासेस के लिंक्स वहां पर आपको मिल जाएँ। राइट, चलिए हम, अगर आप डेली प्रैक्टिस टेस्ट की तलाश में है, डेली प्रैक्टिस क्विज़ेज, आपको टू डू लिस्ट मिले, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, तो वो नोटबुक सीरीज से बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पर डेली बेसिस पर प्रीलिम्स और मेंस लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं और डेली अपडेट होते हैं इसमें क्वेश्चंस। और अलोंग विद द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के भी यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और इवन मॉड्यूल भी अवेलेबल है जहाँ पर आप टाइपिंग करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। रियल टाइम इंटरफेस आपके लिए अवेलेबल रहता है। मॉक टेस्ट में भी हमारा रियल इंटरफेस है, जिस तरह का IBPS आपको इंटरफेस देता है एग्जाम में, हूबहू वही इंटरफेस मैं आपको मॉक टेस्ट में प्रोवाइड करवाता हूँ, ताकि आपको जब एग्जाम हॉल में बैठे वहाँ पर कुछ भी अजीब सा ना लगे। और एक साल के मॉक टेस्ट में आपको पिछले 2 साल इंक्लूडिंग दिस ईयर यहाँ पर 3 साल के मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहली न्यूज़ आप सभी के सामने प्रेसिडेंट भवन से आई, यानी कि राष्ट्रपति भवन से आई, जहां पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने यहां पर उद्घाटन किया आयुष आरोग्य केंद्र का। आयुष वेलनेस सेंटर, आयुष आरोग्य केंद्र कह लीजिए, इसका यहाँ पर उद्घाटन किया गया यहाँ पर आपका प्रेसिडेंट एस्टेट में। एंड आयुष वेलनेस सेंटर जो कि स्टार्ट किया था फंक्शनिंग इन जुलाई 25 2015 एज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट। ये पहली बात तो इसका पहली बार उद्घाटन नहीं किया गया, ये ऑलरेडी वहाँ पर था एस्टेब्लिश, लेकिन अब इसका अपडेटेड, कुछ अपडेशन किया गया, अपग्रेड किया गया, इसको रेनोवेट करके नया बना दिया गया होगा, कुछ ऐसा ही हुआ होगा तो उसको वहाँ पर किया गया है। एक बुक जिसमें यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में, आयुष वेलनेस सेंटर्स कहाँ पर कैसे बने, कैसे स्टार्ट हुए, उसके बारे में हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है इसी बुक में, जो एक बुक यहाँ पर रिलीज की गई इसी मौके पर। सो एग्जाम पॉइंट इज अ क्वेश्चन, हाल ही में आयुष वेलनेस सेंटर का एक अपग्रेडेड वर्जन कौन सी जगह पर यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा? राइट आंसर विल बी दी प्रेसिडेंट स्टेट, राष्ट्रपति भवन में यहाँ पर किया गया। यहाँ पर आपको उसके साथ जो लगता है, आयुष वेलनेस सेंटर कब यहाँ पर स्टार्ट हुआ था? 25 जुलाई 2015 को यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा मिलकर स्टार्ट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट, इन दोनों के द्वारा मिलकर स्टार्ट किया गया था। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बना और 2 क्वेश्चंस यहाँ से आपके इस पैराग्राफ में से आपके बने। ये बेसिकली ऐसा जस्ट लिखा हुआ है, बुक वगैरह की गई रिलीज, ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, है ना। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी आई है यहाँ पर, VivaTech 2020 has recognized India as Country of the Year। So यूरोप का बिगेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस VivaTech 2020 हुआ, इसने इंडिया को रिकॉग्नाइज किया एज द कंट्री ऑफ द ईयर। दिस इज ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन स्टार्टअप्स टू द वर्ल्ड। अभी हाल ही में इंडिया में 101वां स्टार्टअप यहाँ पर बना है और इस साल यहाँ पर आपके 60 से ज़्यादा स्टार्टअप जो हैं वो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। 101 स्टार्टअप नहीं बना, सॉरी, 101वां स्टार्टअप जो है वो यूनिकॉर्न बना है, यानी कि उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो $1 बिलियन से ज़्यादा हुई है। उसका मतलब ये होता है यूनिकॉर्न का। ओके, सो यहाँ पर आपका इसी के ऊपर फोकस करते हुए कि बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है यहाँ पर इंडिया में आ रहे हैं, नई कंपनीज यहाँ पर इंडिया में खुल रही हैं और इवन वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न का दर्जा हासिल कर रही हैं, यानी कि उनकी वैल्यूएशन जो है बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच रही है। इसी वजह से यहाँ पर यूरोप की जो बिगेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस है जो आपकी होती है वहाँ पर कॉन्फ्रेंस VivaTech 2020, उसमें यहाँ पर आपका इंडिया को एज द कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया, क्योंकि इंडिया में यहाँ पर स्टार्टअप्स जो हैं काफ़ी अच्छे लेवल पर प्रोग्रेस कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अश्विनी वैष्णव जी ने इनॉग्रेट किया वहाँ पर इंडिया का पवेलियन, यानी कि इंडिया की स्टॉल कह लीजिए, एट द टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन VivaTech 2020, जो कि कहाँ हुआ था? पेरिस फ्रांस में आपका आयोजित किया गया था। 65 स्टार्टअप्स फॉर इंडिया पार्टिसिपेट इन VivaTech 2022 विद गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट की मदद से यहाँ पर 65 ऐसे स्टार्टअप जो हैं वो यहाँ पर आपका कर रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट आपका कर रहे हैं। तो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले तो VivaTech 2020 यहाँ पर कहाँ पर आयोजित किया गया था? पेरिस फ्रांस में किया गया था। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है। उसके अलावा ये जो इसमें इस बार VivaTech 2020 में कौन सी कंट्री को रिकॉग्नाइज किया एज द स्टार्टअप ऑफ द ईयर, दैट इज इंडिया को किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर कितनी स्टार्टअप्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करें इंडिया की तरफ से, दैट इज 65 स्टार्टअप्स जो हैं इंडिया की तरफ से यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। सेंटर मैंडेट्स 3-year हेल्थ इंश्योरेंस प्लान फॉर सरोगेट मदर्स। ओके, एज पर द न्यू सरोगेसी रेगुलेशन रूल 2022 विद रिस्पेक्ट टू सरोगेसी इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द फॉर द बेनिफिट ऑफ सरोगेट मदर्स, कपल्स हु विश टू बिकम पेरेंट्स थ्रू सरोगेसी मस्ट बाय 3-year हेल्थ इंश्योरेंस प्लान फॉर सरोगेट मदर। तो यहाँ पर आपका सरोगेसी रेगुलेशंस में एक बदलाव किया गया है और ये बदलाव यहाँ पर सरोगेट मदर्स और उसके अंदर जो बेबी है उसको यहाँ पर सुरक्षित रखने के लिए किया गया है और वो बदलाव है आपका रिलेटेड टू द इंश्योरेंस प्लान। यहाँ पर अगर कोई भी पेरेंट जो है, जो कोई भी कपल है, अगर अपना बच्चा किसी थर्ड महिला के थ्रू चाहते हैं जिसको हम सरोगेसी कहते हैं, तो यहाँ पर ये रूल्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं। ये बिल्कुल लीगल है और बिल्कुल लॉज के अंडर इसके बारे में लिखा हुआ, कानून में इसका प्रावधान है, हर एक चीज़ वहाँ पर मेंशन है, जो कि सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 में यहाँ पर आपका कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। एज पर इस एक्ट के अनुसार क्या किया जाएगा, इंश्योरेंस जो है वो यहाँ पर किया जाएगा उस मदर का, इंडिविजुअल और इंटेंडिंग कपल जिनको यहाँ पर एक गारंटी दी जाएगी ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस। यानी कि जो कपल हैं जो अपना बच्चा किसी थर्ड लेडी के थ्रू करवाना चाहते हैं तो उनको गारंटी ऑब्वियसली देनी पड़ेगी आपके मेडिकल एक्सपेंसेस की, हेल्थ इश्यूज की, किसी भी तरह के लॉस की, किसी भी तरह के डैमेज की, इलनेस और द डेथ ऑफ द सरोगेट मदर एंड सच अदर प्रिस्क्राइब्ड एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन सच सरोगेट मदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सरोगेसी। वो इन सारी की सारी जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकते, उनको यहाँ पर ये इंश्योरेंस के फॉर्म में ये सब चीज़ें उस मदर को प्रोवाइड करानी ही पड़ेंगी। कपल हु वांट सरोगेसी शुड बी मैरिड और मोर देन 5 years, उनका मैरिज को 5 साल हो जाने चाहिए और मैरिड होने चाहिए और 5 साल हुए होने चाहिए उनकी मैरिज को, तभी आप सरोगेसी को अडॉप्ट कर सकते हैं। इस सरोगेसी रूल्स के तहत सरोगेट मदर्स को अपनी कंसेंट देनी पड़ेगी आपका थ्रू एन एग्रीमेंट फॉर गिविंग अप ऑल द राइट्स। ऑब्वियस है बच्चा उसकी कोख में है, लेकिन वो सारे के सारे जो राइट्स हैं बच्चे के वो यहाँ पर जो कपल हैं जो उसके थ्रू करवा रहा है सरोगेसी, उन्हीं को यहाँ पर राइट्स देने पड़ेंगे। एंड शैल हैंड ओवर द चिल्ड्रन टू इंटेंडिंग कपल और पर्सन एम्प्लॉयड बाय द इंटेंडिंग कपल। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इंश्योर्ड दैट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ एनी सरोगेसी प्रोसीजर ऑन सरोगेट मदर, ये 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक कोई भी मदर जो है सरोगेसी 3 से ज्यादा बार अडॉप्ट नहीं कर सकती। एंड द सरोगेट मदर में भी अलाउड फॉर एबॉर्शन को भी कर सकती है, लेकिन वो केवल उस केस में अगर कोई भी मेडिकल या फिर डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, डॉक्टर की सलाह पर ऐसे नहीं कर सकती। इन अकॉर्डेंस विद द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 इन केस एनी कॉम्प्लिकेशन एडवाइज बाय द डॉक्टर। ओके, तो ये यहाँ पर पूरी की पूरी न्यूज आई है। इसमें कितने साल का यहाँ पर इंश्योरेंस दिया गया? 3 साल का। उम्मीद करता हूँ पूरी न्यूज आपको समझ में आ गई होगी, कौन से एक्ट के तहत, रेगुलेशन के तहत सरोगेसी की जाती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कितने साल का इंश्योरेंस देना है? 3 साल का इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस में सारी चीजें इंक्लूड है। बेसिकली ये न्यूज है छोटी सी, मतलब एग्जाम पॉइंट से जो न्यूज है वो तो छोटी सी है, लेकिन इसमें लिखा बहुत कुछ हुआ है जो कि आपको समझाने के रूप से लिखा गया है ताकि आपको समझ में आए, और इन केस अगर सरोगेसी के बारे में कुछ और पूछता है एग्जामिनर तो उसका भी आंसर आप दे पाओ, ठीक है। तो ये यहाँ पर सारा के सारा लिखा। ओड वन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसमें से काफ़ी अच्छा आ सकता है आपका, कुछ ना कुछ पॉइंट्स दे देंगे और वो स्टेटमेंट को बेस्ड क्वेश्चन आपका बन जाएगा। सो दिस इज सरोगेसी रूल्स 2022, ठीक है। चलो अगली न्यूज़ पर चलते हैं। Oracle has introduced the OCI dedicated region for the Indian market. Okay, so यहाँ पर Oracle जो है USA based एक कंपनी है Oracle, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया उसने ओसीआई डेडिकेटेड रीजन फॉर द इंडियन मार्केट। सो ओरेकल नाम की कंपनी ने यहाँ पर आपका इंट्रोड्यूस किया है एक ओरेकल क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म, ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर ओसीआई डेडिकेटेड रीजन इंडियन मार्केट के लिए। सो ये यहाँ पर 60 to 75% लेस डाटा सेंटर स्पेस एंड पावर ऑन एन एवरेज विद द सिग्निफिकेंटली लोअर एंट्री प्राइस ऑफ $1 million अ ईयर। सो बेसिकली इसमें क्या किया गया है, जो ओरेकल है उसने आपका एक स्टोरेज की सर्विस, क्लाउड सर्विस क्या होती है, लाइक दी जैसे ड्राइव होता है, गूगल ड्राइव आपने देखा होगा, उसी तरह की ये उसी को क्लाउड सर्विस कहते हैं। तो आप डाटा स्टोर कर सकते हैं अपना वहाँ पर। तो यूएसए की कंपनी है ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ने यहाँ पर आपका एक नया एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड किया है और ये प्रोवाइड किया है इंडियन मार्केट के लिए। इट विल ऑल्सो अलाउ ओरेकल टू ऑफर कस्टमर नियरली 100 सर्विसेज विद इन प्रीमाइसेस विच वर अर्लियर अवेलेबल ओनली टू द पब्लिक क्राउड कंज्यूमर। तो ये आप सर्विसेज भी यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक इन्हीं क्लाउड मेंबर्स के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा, जो कि पहले सभी के लिए अवेलेबल थी, जब अब स्पेसिफिक सर्विसेज यहाँ पर इसी एरिया में रेंज में यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। ठीक है। सो यहाँ पर एग्जाम से क्वेश्चन इसमें सिंपल एक ही बनेगा और वो बनेगा ओरेकल ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया ओसीआई डेडिकेटेड रीजन, किसके लिए, इंडियन मार्केट्स के लिए, इंडिया के लिए। अगली न्यूज पे चलते हैं। BRO cafes to be established at 75 border areas. So BRO that is border road organization की हम बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर border road organization एक ऐसी संस्था है जो कि इंडिया में border से साथ साथ चलती हुई यहाँ पर सड़कों को जो बनाता है, ये इसी की जिम्मेवारी होती है। हाल ही में जो हमने अटल टनल काफ़ी चर्चा में रहा है, बहुत सारी रील्स भी उस पर आती हैं, बहुत सारे लोग घूमने भी जाते हैं उस पर, सिर्फ और सिर्फ अटल टनल को देखने के लिए जाते हैं। उसका निर्माण भी BRO ने ही किया था और हाल ही में उसको एक प्राइज़ भी दिया गया था उसके निर्माण कार्य को देखते हुए। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया है डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वे साइड एमिनिटीज़ नेम दी BRO कैफेज। BRO कैफेज यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं और वो कहाँ पर, 75 लोकेशंस में। 75 लोकेशंस में इसलिए किए गए हैं क्योंकि हमारे देश की आज़ादी को 75 वर्ष हो चुके हैं और उसी को देखते हुए 75 वर्ष पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर इस साल बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई हैं जो कि 75 से ही जुड़ी हुई हैं और 75 BRO कैफेज यहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाएंगे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे अक्रॉस दी 12 स्टेट्स एंड यूटीज। अप्रूवल इसके लिए दिया गया है इन स्टेट्स में, ये सारे स्टेट्स में। कॉन्ट्रैक्ट 15 साल का रहेगा, दैट में भी एक्सटेंडेड फॉर एन एडिशनल 5 ईयर्स। तो यहाँ पर आपका BRO कैफेज यहाँ पर कितने लोकेशंस पर यहाँ पर किए जाएंगे, पहला क्वेश्चन 75 लोकेशन पर। कितने स्टेट्स यूटीज में, 12 स्टेट यूटीज में। 12 स्टेट्स यूटीज के नाम याद होते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं होते तो क्या कर सकते हैं। कितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर, 15 साल का है और अगले 5 साल के लिए फिर एक्सटेंड हो सकता है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन इसमें 3-4 बनते हैं। अगली न्यूज़ है यहाँ पर, ये मिनिस्ट्री डिफेंस से संबंधित कुछ पुरानी खबरें। यूनियन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलट्स। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलट्स यहाँ पर आयोजित किया गया और इस बार ईयर 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलट्स भी यहाँ पर बनाया जा रहा है और इंडिया यहाँ पर 5वें स्थान पे यहाँ पर आता है। सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आपका मिलट्स का पूरे दुनिया में और मेजर प्रोड्यूसिंग नेशन स्टेट्स जो है वहाँ पर मिलट्स में, जिसमें हरियाणा, यूपी, छत्तीसगढ़, गुजरात और बहुत सारे यहाँ पर स्टेट्स शामिल है। अब न्यूज़ पे आते हैं। न्यूज़ क्या कहती है, न्यूज़ कहती है कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई मिलट्स के ऊपर, इसको यहाँ पर आयोजित किया गया और इसको यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। चीफ गेस्ट रहे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्रहलाद सिंह पटेल। इसको आयोजित किया गया एशो चैम के साथ विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। थीम है इस बार की द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया इन न्यू दिल्ली। सो ये इसकी इस बार की आपकी थीम है। प्रोडक्शन ऑफ द कोआर सीरियल्स इन द कंट्री हैज इंक्रीज टू 17.96 मिलियन टन्स from 14.52 million tons and production of bajra has increased to 10.86 million tons in the same period. तो यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल दे रखा है आपका किसका, एक आपका दाल का और दूसरा आपका किसका, बाजरे का। इन दोनों का दे रखा है कि कितनी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है पिछले सालों के मुकाबले। यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर बाकी चीज़ें आपको ये मैंने बताई दिया। देखते हैं एक बार फिर से न्यूज़ किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है, और कौन इन्वॉल्वमेंट है, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, एसोचैम एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। थीम क्या है इसकी, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है आपका क्वेश्चन। ये बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, बीच में है, मतलब 50% चांसेस आर देयर, ठीक है। और ये सारे के सारे जो मेजर प्रोड्यूसिंग नेशंस स्टेट्स हैं आपकी, और ये भी क्वेश्चन एक अच्छा बन सकता है, दैट इज दी 2023 कौन सा साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलट्स यहाँ पर किया गया घोषित, दैट इज द ईयर 2023, राइट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, गवर्नमेंट टू चेंज द मिनिस्ट्रीज फॉर द एनडीपीएस। सो यहाँ पर एनडीपीएस क्या है, एनडीपीएस है नेशनल ड्रग and the Psychotropic Substances Act 1985 and Prevention of Illicit Trafficking in the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1988। ये दोनों के दोनों एक्ट के तहत जो भी यहाँ पर कह सकते हैं इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए यहाँ पर काम किया जाता था, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती थी इस काम को। लेकिन अब इस एक्ट को यहाँ पर अब देखेंगे जो भी इसके अंदर लेने हैं आपके कोई भी एक्शंस लेना है इसके अगेंस्ट, इसके अंडर यहाँ पर कुछ भी धरपकड़ करनी है, कुछ भी करना है तो होम मिनिस्ट्री करेगी, और इंडिया की होम मिनिस्ट्री के अंडर ही यहाँ पर पुलिस आती है जो आपकी काम करती है। तो यहाँ पर सारे के सारे मैटर्स जो भी नारकोटिक्स से जुड़े हुए हैं इनको एक डिपार्टमेंट के अंडर लाने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर आपका इस पर्टिकुलर एनडीपीएस 1985 और दूसरा भी एनडीपीएस 1988 है, इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत लाया गया है। ओके, सो ये दोनों के दोनों जो एक्ट हैं करंटली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, एंड द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो यहाँ पर होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। मतलब ये रिवेन्यू डिपार्टमेंट को दे दिया गया था, काम सौंपा गया था इसके तहत, लेकिन एक्चुअल में ये जो काम है वो यहाँ पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का होना चाहिए, और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इसलिए इन एक्ट्स को यहाँ पर मंत्रालय बदल दिया गया है। अब होम मिनिस्ट्री वाले इस एक्ट के तहत जो भी उन्होंने फैसले लेने हैं, जो भी एक्ट करना है, जो भी एक्शन लेना है, वो होम मिनिस्ट्री वाले ही, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाले ही लेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री का इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है। तो दोनों के दोनों एक्ट यहां पर पहले कहां थे अब कहां है, ये क्वेश्चन, ठीक है। और दोनों एक्ट कौन कौन से साल के हैं, ये क्वेश्चन। अगली न्यूज, गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया 17वां शाला प्रवेशोत्सव, 17 शाला प्रवेशोत्सव। शाला से यहाँ पर आप पाठशाला को समझते हैं, स्कूल को समझते हैं यहाँ पर, और इस 17 शाला प्रवेशोत्सव यहाँ पर स्टूडेंट्स को एनरोल करने के लिए प्राइमरी स्कूल्स में स्टार्ट किया गया। 3 दिन का ये एनरोलमेंट ड्राइव है जो कि मिमादपुर प्राइमरी स्कूल जो कि वदगम तालुका बनासकांठा में है, यहाँ से शुरुआत किया गया। काफी ज्यादा ड्रॉप आउट बढ़ रहे हैं, मतलब कि बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं और बाद में हट जाते हैं, रिड्यूस ड्रास्टिकली यहाँ पर पहले से काफी कम हुआ है, मैंने शायद उल्टा बोल दिया। फॉलोइंग द मास एनरोलमेंट ड्राइव्स ऑफ द चिल्ड्रन, द ड्रॉप आउट रेट जो पहले 3.07% यहाँ पर पहुंच गया है, अर्लियर 37.22% था। ओके, 37.22% 2002 में, यानी कि 100 बच्चा एडमिशन लेता था तो उसमें 37 बच्चा निकल जाता था, लेकिन आज की डेट में 100 में से केवल 3 बच्चे ही हैं जो यहाँ पर ड्रॉप होते हैं यहाँ पर। और इस बार भगवत गीता को भी इंक्लूड किया गया सिलेबस में, स्टैंडर्ड 6 से लेकर टू इनकलकेट वैल्यूज इन स्टूडेंट्स अलोंग विद द एजुकेशन। तो यहाँ पर आपका गुजरात में पहला क्वेश्चन, शाला प्रवेशोत्सव कौन से स्टेट में शुरुआत की गई है, दैट इज गुजरात में की गई है। यहाँ पर पर्पस क्या है, बच्चों को एनरोल करना प्राइमरी स्कूल्स में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, कहाँ से शुरुआत की गई है, मिमादपुर प्राइमरी स्कूल वदगम तालुका बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ड्रॉप आउट्स के बारे में पूछ सकते हैं कि कितना ड्रॉप आउट पहले था और अब कितना हो चुका है, ये भी आ सकता है। और हाल ही में कौन सी एक रिलीजियस बुक को यहाँ पर शामिल करने का फैसला किया गया है गुजरात के स्कूल के सिलेबस में, राइट आंसर रहेगा भगवत गीता। अगली न्यूज है, 7 कंपनीज टू हैव एडॉप्टेड दी ओएनडीसी प्रोटोकॉल्स बिल्ड देयर ओन कंपैटिबल ऐप्स। सो यहाँ पर खुद का ऐप खुद ही बनाने के लिए एक ओएनडीसी दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। ये कोई नया नहीं है, उस दिन भी यह पहले भी न्यूज आई है, उससे पहले भी कंटिन्यू काफी दिन से ओपन ओएनडीसी के ऊपर न्यूज आ रही है। कुछ दिन पहले जो लेटेस्ट खबर थी वो नबार्ड से संबंधित थी, लास्ट में लिखा भी हुआ है ड्यूरिंग द मीटिंग यहाँ पर ओएनडीसी एंड नबार्ड आर वर्किंग ऑन अ प्रोग्राम टू ब्रिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर टू द प्लेटफॉर्म, कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ई कॉमर्स, बेसिकली ओएनडीसी जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही है एक प्रकार से, ठीक है। ये एग्जैक्टली ओएनडीसी ई प्लेटफॉर्म नहीं है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है लाइक अमेजोन और फ्लिपकार्ट, लेकिन ये आपका ओपन नेटवर्क जो है ये आपका बताता है किस तरह से आप ई प्लेटफॉर्म को बना सकते हैं, किस तरह से पोर्टल डिजाइन किया जा सकता है और आपके जो काम है उसको आप उस पर शुरू कर सकते हो, उस पर सेल कर सकते हो अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के थ्रू पॉसिबल हो रही हैं और बड़े सिंप्लीफाई वे में। तो यहाँ पर आपका टोटल 7 कंपनीज जो है, एक बायर साइड ऐप मतलब बायर जिससे खरीदेगा, 5 सेलर साइड ऐप जिससे सेलर सेल करेंगे और 1 लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर ऐप यानी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गई। ये सारी की सारी ऐप को यहाँ पर हाल ही में एडॉप्टेड दी ओएनडीसी प्रोटोकॉल्स एंड उन्होंने अपनी खुद की ओएनडीसी से संबंधित आपकी ऐप्स को डिजाइन किया। अप्रैल 29 की बात करो तो पायलट फेज स्टार्ट हुआ था यानी कि ट्रायल फेज स्टार्ट हुआ था आपका ओएनडीसी का, जिसमें यूपीआई टाइप प्रोटोकॉल इन 5 सिटीज में बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, भोपाल, शिलोंग एंड कोयम्बटूर में किया गया था, जिसमें यहाँ पर ई कॉमर्स सेक्टर को यहाँ पर जोड़ा गया था छोटे लेवल के रिटेलर्स के साथ, जिससे वो यहाँ पर ऑनलाइन जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स अमेजोन टाइप के, उनसे यहाँ पर उनसे हटकर अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर सकें। मीटिंग ऑफ ओएनडीसी एडवाइजरी काउंसिल चेयर्ड बाय द कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन द प्रोजेक्ट यहाँ पर, और ये मैंने रिसेंट न्यूज बता ही दी। तो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन, हाल ही में ओएनडीसी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए कितनी कंपनीज ने अपने खुद के प्लेटफॉर्म को, एप्स को डिजाइन कर लिया है? राइट आंसर यहाँ पर रहेगा 7 कंपनीज ने किया है आपका पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये फिर कुछ हिस्ट्री आ गई इसकी, ये ऑलरेडी हमने पढ़ी ही हुई है इसके बारे में। बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, कोयम्बटूर, इस जगह पर ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पर लास्ट में अभी रिसेंट खबर एक और आई थी कि ओएनडीसी किसके साथ टाई अप किया, नबार्ड के साथ टाई अप आपका किया है। चलो अगली न्यूज पढ़ो, मैं इतनी देर पानी पी लूं। ओके, सेकेंड कंसाइनमेंट ऑफ द रिलीफ मटेरियल्स फ्रॉम तमिलनाडु, ये श्रीलंका भेजा गया तूतीकोरन पोर्ट से। यहाँ पर आपका सेकेंड असाइनमेंट में यहाँ पर इतने टन्स ऑफ राइस एंड 48.30 करोड़ का, मेडिसिन यहाँ पर 11.90 करोड़ की एंड मिल्क पाउडर 17.50 करोड़ का सेल भेजा गया। फर्स्ट कंसाइनमेंट जो है वो 33 करोड़ का यहाँ पर मई 18 को भेजा गया था। गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रॉमिस किया है उनको तकरीबन 123 करोड़ का यहाँ पर राशन प्रोवाइड कराने का, जिसमें 500 टन का मिल्क पाउडर, लाइफ सेविंग मेडिसिन एंड 4000 टन ऑफ राइस इसमें शामिल है। तो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया ने श्रीलंका को जो रिलीफ पैकेजेस भेजे हैं उसके तहत कितनी अमाउंट यहाँ पर के अकॉर्डिंग भेजा है। टोटल यहाँ पर इंडिया ने 2 भेजे हैं। पहले कंसाइनमेंट में यहाँ पर 33 करोड़ का सामान था और इंडिया ने टोटल इसमें जो एक एग्रीमेंट किया है वो किया है 123 करोड़ का एग्रीमेंट किया है। और इस बार यहाँ पर तकरीबन आप टोटल लगा लीजिएगा 48.30, 11.90 और 7.5 करोड़, इन तीनों का टोटल लगाकर आप देख लीजिएगा कितना इस बार किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन कि हाल ही में कौन से देश में यहाँ पर भेजा गया कंसाइनमेंट जिसके तहत इंडिया ने 123 करोड़ रुपए का उनको मदद करने की फैसला किया है, और वो राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका उसका सही आंसर रहेगा। राइट, चलिए आगे चलते हैं हम। दिल्ली गवर्नमेंट ने आपका अनाउंस किया है कंप्लीट बैन ऑन द एंट्री ऑफ मीडियम एंड हैवी व्हीकल्स। तो यहां पर दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है जो ट्रक होते हैं, ठीक है, उनको यहां पर 1 अक्टूबर से लेकर 28 फरवरी तक अगले साल, वो इंटरेस्ट में ऑब्वियस है, पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है दिल्ली जैसे जगहों पर, तो इसलिए उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने अभी से अपनी जो कदम है उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत पहले कदम के तहत उन्होंने जो भी हैवी व्हीकल्स हैं उनको बैन कर दिया है 1 अक्टूबर से लेकर 28 फरवरी के बीच में। अब दिल्ली में एंटर नहीं हो पाएंगे। दिल्ली गवर्नमेंट ने आपका आसपास के पड़ोसी राज्यों को ये भी कहा कि वो केवल और केवल यहाँ पर आपका BS6 कंप्लाइंट बसेस जो हैं वही सिटी में एंटर करें 1 अक्टूबर के बाद, ताकि एयर पोल्यूशन जो है कंट्रोल हो सके। ठीक है, जो मान लीजिए वहाँ के स्टेट की बसेस हैं तो वो BS6 कंप्लाइंट होनी चाहिए, वहीं आए हमारे राज्य में, यूटी में, यहाँ पर दिल्ली में, ताकि पोल्यूशन लेवल जो है वो सही स्तर पर रहे। ये भी यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है। सो फिलहाल एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन, कौन से स्टेट ऑब्लिक यूटी ने यहाँ पर अपनी एंट्री बैन कर दी है किसी भी तरह के हैवी व्हीकल की 1 अक्टूबर के बाद? राइट आंसर दिल्ली रहेगा। कौन से स्टेट ऑब्लिक यूटी ने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया अपने पड़ोसी राज्यों को कि वो अपनी जो बसेज हैं, ट्रांसपोर्ट बसेज हैं, वो आपकी BS6 कंप्लाइंट हो और वही उनके राज्य में आए आपके, ताकि पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल किया जा सके? उसका राइट आंसर भी दिल्ली रहेगा। दोनों का आंसर दिल्ली ही रहेगा यहाँ पर इस केस में। अगली खबर चलते हैं। अगली खबर यहाँ पर आई है, BIS फॉर्मुलेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी। सो हाल ही में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिली हैं जिसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पर में आग लगती हुई नजर आई है। बहुत सारी वीडियोज आपने देखी होंगी, चाहे वो कार हो, चाहे वो बाइक हो, किसी भी तरह की कोई स्कूटी हो, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और वो खड़े खड़े अचानक से उनमें आग लगती हुई दिखी है हमें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ऑब्वियस है वो आग किस वजह से लगती है? आग लगती है आपका बैटरीज की वजह से। बैटरी में ऑब्वियस है कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से वो आग पकड़ लेती है और वो पूरी गाड़ी में आग बढ़ जाती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने यहाँ पर, इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी जो है, उसने फॉर्मुलेट किया है और पब्लिश किया एक स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी जो है इसी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, इससे नीचे के स्टैंडर्ड की यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी जो है वो नहीं लगाई जाएगी आपका किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में। सो उसके लिए उन्होंने टेस्ट स्पेसिफाई किए हैं कि इस तरह का अगर कोई भी बैटरी मैन्युफैक्चरर बैटरी बना रहा है तो पहले उसके टेस्टिंग होगी। कौन टेस्टिंग करेगा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड उसकी टेस्टिंग करेगा, और वो उनके अगर मानकों में यहाँ पर स्टैंडर्ड्स के अनुरूप रहती है वो बैटरी, तभी उसमें मोहर लगाई जाएगी आपकी। कौन सी? ये वाली 17855/2022 और साथ में ये वाली, ये मोहर उसमें लगाई जाएगी और यही मोहर की बैटरीज को इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर डाला जाएगा। अगर ये उनके द्वारा टेस्ट में पास नहीं होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा ये बैटरीज, तो वो बैटरीज यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के काबिल नहीं मानेंगी और उनको सही तरीके से किया जाएगा और उसके बाद फिर आगे दोबारा से टेस्टिंग होगी। द स्टैंडर्ड इनकॉर्पोरेट्स द टेस्ट प्रोसीजर फॉर द बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक फंक्शनैलिटी ऑफ बैटरी पैक्स। तो बैटरी पैक किस तरह से काम करती हैं, क्या करते हैं, उन सबकी टेस्टिंग यहाँ पर की जाएगी। कीपिंग अ व्यू ऑन द सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ बैटरीज फॉर ईवी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने यहां पर दो और स्टैंडर्ड को यहां पर आपका इंट्रोड्यूस किया है और वो अलग अलग व्हीकल्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टैंडर्ड बनाया गया है। ठीक है, तो यहां पर इस स्टैंडर्ड के अलावा और भी स्टैंडर्ड है अलग अलग कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स के लिए। तो यहां पर एग्जाम पॉइंट से हाल ही में यहां पर अपनी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को देखने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज के कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर्मुलेट किए इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से वाइस वर्सा क्वेश्चन, हाल ही में कुछ फॉर्मुलेट्स किए हैं नए रेगुलेशंस आपके किनके लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी के लिए किया गया है और ये स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इनके ऊपर मार्क लगा होगा तब तो ये बैटरीज बिल्कुल ओके हैं, बिल्कुल सही हैं, क्योंकि वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स उसको चेक वेक कर लेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन इसमें समझ में आते हैं, वैसे ज्यादा क्वेश्चन बन नहीं रहा लेकिन जस्ट वो पढ़ने के लिए थोड़ा सा ज्यादा है ताकि आपको न्यूज समझ में आ जाए। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज यहां पर इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया है कैपस्टोन सेमिनार एयरफोर्स ऑडिटोरियम जो कि न्यू दिल्ली में है और इसके यहां पर मार्किंग द कल्मिनेशन ऑफ द फर्स्ट वॉरफेयर एंड एरोस्पेस स्ट्रेटेजी प्रोग्राम। तो यहां पर आपका एयरफोर्स वॉरफेयर एंड एरोस्पेस स्ट्रेटेजी प्रोग्राम जो कि पहली बार आयोजित किया गया, दिस इज द फर्स्ट टाइम वॉरफेयर एंड एरोस्पेस स्ट्रेटेजी प्रोग्राम हैज बीन ऑर्गेनाइज और इसलिए यहां पर इंडियन एयरफोर्स ने यहां पर इसको कंडक्ट करने के लिए न्यू दिल्ली में यहां पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार आयोजित किया गया अंडर द कॉलेज ऑफ एयर वेयरफेयर एंड सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के बाद में। एंड एम ऑफ वास्प इज टू जनरेट स्ट्रेटेजिक थॉट एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग्स द आईएएफ ऑफिशियल्स। सो यहां पर आईएएफ ने कंडक्ट किया है कैपस्टोन सेमिनार फॉर द फर्स्ट वॉरफेयर एंड एरोस्पेस स्ट्रेटेजी प्रोग्राम को यहां पर कहां पर किया गया है, न्यू दिल्ली में किया गया। जस्ट इसमें इतना ही क्वेश्चन आएगा, पहला सेमिनार है तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कहां किया गया है, न्यू दिल्ली में किया गया, इसके द्वारा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आयोजित किया गया। दैट्स इट, बस इसमें इतना ही क्वेश्चन आपका बनता है। इंडिया अब खुद के यहां पर क्या करेगा, खुद के द्वारा क्रैश के जो स्टैंडर्ड्स है वो बनाएगा। क्रैश कौन से, जो कार्स आपके एक्सीडेंट में क्रैश हो जाते हैं उनके स्टैंडर्ड्स। सो यहां पर आपका बेसिकली अभी तक हम बाहर के स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे थे अपनी गाड़ियों में कि क्रैश होती है कार, इस तरह के आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी टेस्टिंग की कि कार को क्रैश किया जाता है जानबूझ के और देखा जाता है कितनी कार में डैमेज हुआ है एंड ऑल। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, क्रैश टेस्टिंग करके लिख दीजिएगा, बड़ी अलग तरीके की वीडियो दिखती है यहाँ पर आपके वो। और इसका फिलहाल देखो यहाँ पर केवल और केवल ड्राफ्ट आया है, एक यहाँ पर लिखा हुआ ना अप्रूव्स द ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट का मतलब ये नहीं होता कि फाइनल है, ठीक है, ड्राफ्ट का मतलब यह है कि अभी वो एक प्रकार से सरसरी रूप से फाइनल किया गया, बनाया गया है उसका खाका, अब उसके में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे अमेंडमेंट और हो सकते हैं। इसलिए ये जो ड्राफ्ट दिया गया है इसमें जो डिटेल मैंने दी है वो बिल्कुल थोड़ी सी दी है, ठीक है, क्योंकि ड्राफ्ट को याद करना कोई मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं बनता कि पूरा पूरा आप ड्राफ्ट याद कर लो। आप पहले याद करोगे महीने बाद वो सही स्कीम पूरी की पूरी आ जाएगी, फिर उसमें से बहुत सारी चीजें चेंजेस हो जाए, फिर उसको याद करो। तो जस्ट ड्राफ्ट आता है तो एटलीस्ट आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि ड्राफ्ट किस चीज का है। दैट्स इट, इसके बारे में जितनी डिटेल्स होती हैं, बहुत सारी डिटेल होती हैं, वो मैंने नहीं दी है और ना ही अकॉर्डिंग टू मी आपको याद करने की आवश्यकता है फिलहाल उसमें, ठीक है। तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अप्रूव किया ड्राफ्ट जीएसआर नोटिफिकेशन टू इंट्रोड्यूस दी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। सो यहां पर ये इसको नाम दिया गया भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत जितने भी व्हीकल्स ऑटोमोबाइल्स हैं यहां पर आपका उनको स्टार रेटिंग्स दी जाएंगी उनके क्रैश टेस्ट की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। भारत एनसीएपी विल सर्व एज द कंज्यूमर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म, ऑब्वियसली कंज्यूमर्स की सेफ्टी के लिए ये किया गया है, उनको स्टार रेटिंग्स दी जाएंगी उनकी कार्स को, ऑटोमोबाइल्स को, ताकि एक खरीदने वाले को पता चल सके कि ये गाड़ी जो है कितनी अच्छे से परफॉर्म कर सकती है इन केस ऑफ द कार एक्सीडेंट, ठीक है। तो यहां पर एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन, हाल ही में भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इसके द्वारा यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया इसको। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें बेसिकली स्टार रेटिंग है क्रैश टेस्ट की यहां पर, और भारत एनसीएपी क्या है, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ये भी आपसे पूछ सकता है भारत एनसीएपी के बारे में पूरा नाम इसका, ठीक है, या फिर ये पूछ लेंगे किससे संबंधित है, क्रैश टेस्ट से संबंधित है, स्टार रेटिंग से संबंधित है, आपको व्हीकल्स को ऑटोमोबाइल्स को रेटिंग दी जाएगी आपकी। अगली न्यूज है प्रोफेसर अजय कुमार सूद जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इन्होंने इनॉग्रेट किया एक ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्कशॉप एट द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में, और ये यहाँ पर संबंधित है, आपका रिलेटेड है नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया से, जिसको डेवलप किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बेंगलुरु के द्वारा। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, एक वर्कशॉप आयोजित की गई है, ये की गई है नेशनल एयर क्वालिटी, यानी कि नेशनल लेवल पे जो एयर क्वालिटी को यहाँ पर देखने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, सीखना तो क्या है मतलब उसको यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर एक वर्कशॉप आयोजित की गई। कहाँ पर, स्थान कहाँ पर है ये आपके की गई न्यू दिल्ली में, ठीक है। सो इसका बेसिक उद्देश्य था नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, इसको बनाना, और ये बनाया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बेंगलुरु के द्वारा। इसमें यहाँ पर वो तमाम गाइडलाइंस, यहाँ पर गाइडेंस दी गई है जिसके थ्रू यहाँ पर एयर क्वालिटी का डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया जा सकता है, उसको स्टडी किया जा सकता है, और उसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पर आपका उसके इम्प्रूवमेंट के लिए। और NARFI एक इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म है जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है डिसाइड कर सकते हैं, म्यूनसिपैलिटी, स्टार्टअप्स वगैरह, किस तरह से एयर पोल्यूशन के इश्यू को यहाँ पर हम टैकल कर सकते हैं डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स में इंडिया के, ओके, अकॉर्डिंग टू दी क्या क्या उसमें सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग किया जा सकता है। इसमें यहाँ पर बेसिकली 5 मॉड्यूल्स पे काम कर रहा है, थीम 1, थीम 2, थीम 3, थीम 4, थीम 5 एमिशन इन्वेंट्री फर्स्ट में है, थीम 2 में ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट है, थीम 3 में उसकी मॉनिटरिंग, फॉरकास्टिंग, थीम 4 में आउटरीच, लोगों तक पहुंचना, अवेयरनेस क्रिएट करना, पॉलिसी डिजाइन करना, और थीम 5 में उनके सॉल्यूशंस करना, लोगों को जोड़ना उसके साथ, और ओके, और नई टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करना। ये 5 थीम्स हैं जिन बेस पर यहाँ पर NARFI को डिजाइन किया गया है, नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क को। तो यहाँ पर एग्जाम पढ़ने से पहला तो क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछी जा सकती है NARFI की, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के द्वारा डेवलप किया गया है। कहाँ ये सेमिनार हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था यहाँ पर आपका। बाकी इसके बारे में लिखा हुआ है, 5 थीम आपको याद करनी पड़ेंगे, ठीक है। एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, दैट इज थीम 1, थीम 2, 3, 4, 5, ओके। चलिए आगे चलते हैं, हम अगली न्यूज पे चलते हैं। ONGC विदेश लिमिटेड होली ऑन सब्सिडरी एंड द ओवरसीज आर्म ऑफ गवर्नमेंट रन ONGC की एक यहाँ पर ओवरसीज आर्म है, मतलब कि बाहर के विदेश में यहाँ पर ये कंपनी काम करती है ONGC के बिहाफ पर, ठीक है। तो ये ONGC विदेश लिमिटेड जो है ये यहाँ पर इसने कुछ डिस्कवरी किया है, ओल्ड डिस्कवरी किया है कोलंबिया में। कोलंबिया में क्या कंपनी को यहाँ पर ओल्ड डिस्कवरी जो की गई है इन दी रिसेंटली ड्रिड वेल Uraca 9 इन CPO 5 ब्लॉक लालनोस बेजिन कोलंबिया। ये एग्जैक्ट उसका जो लोकेशन कह लीजिए या फिर वो जो जगह है उसका नाम कह लीजिए यहाँ पर आपका। ONGC विदेश अर्लियर डिस्कवर्ड द कमर्शियल ऑयल इन द लोअर सैंड पे इन द मैरीपोसा एंड इंडिको फील्ड्स, जो कि यहाँ पर आपका 2017-18 में इसने यहाँ पर भी ये कमर्शियल ऑयल की डिस्कवरी की थी ONGC विदेश ने। और फिलहाल कहाँ की है, फिलहाल यहाँ पर कोलंबिया में इसकी डिस्कवरी की गई है। ONGC विदेश यहाँ पर 70% आपका पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है ब्लॉक अलोंग विद द ऑपरेशनल, रिमेनिंग 30% हेल्ड विद द पार्टनर जियो पार्क। एंड ONGC विदेश हैज सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन ऑयल एंड गैस सेक्टर इन कोलंबिया। 3 और यहाँ पर ब्लॉक्स हैं जहां पर ये काम कर रहा है, ज्वाइंट ओनरशिप में काम कर रहा है यहाँ पर आपका, और मानसरोवर एनर्जी कोलंबिया लिमिटेड के साथ मिलकर। तो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन पहला तो आ सकता है ONGC विदेश लिमिटेड ने कहां पर आपका ऑयल को डिस्कवर किया, कोलंबिया में, या फिर हाल ही में कोलंबिया में ऑयल की डिस्कवरी की गई है इंडिया की कंपनी की सब्सिडरी के द्वारा, उसका नाम क्या है, ONGC विदेश लिमिटेड। ये 22 क्वेश्चन आ सकता है इसमें। उसके अलावा लोकेशन आई डोंट थिंक ये ज़्यादा पूछ सकते हैं, बाकी देख लीजिएगा। एंड इसके अलावा यहाँ पर ऑलरेडी एक और एक्सप्लोरेशन किया गया था 2017-18 में, उसकी लोकेशन कहाँ है, मैरीपोसा एंड द इंडिको फील्ड्स, यहाँ पर किया गया कोलंबिया में ही है आपका ये। एंड इसके अलावा यहाँ पर 70-30 के रेशियो में यहाँ पर आपस में बांटते हैं कि 70% जो ONGC विदेश रहेगा और 30% वहाँ पर जो लोकेटेड है जिसके अंडर ये काम कर रहे हैं ONGC विदेश, उसको यहाँ पर दिया जाएगा। इससे पहले भी यार इसी तरह से ऑयल और गैस सेक्टर से संबंधित यहाँ पर कोलंबिया में स्टैब्लिश किया जा चुका है 3 और ऐसे ब्लॉक्स, और वो मानसरोवर एनर्जी कोलंबिया लिमिटेड के साथ मिलकर किया गया, यानी कि जैसे ONGC का 70% हिस्सा और मानसरोवर वाले का 30% हिस्सा, इस तरह का कुछ यहाँ पर किया जाता है, ओके। चलो अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज यहाँ पर C-DOT ने साइन किया एग्रीमेंट विद द गलोर नेटवर्क के साथ फॉर द 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क प्रोडक्ट्स एंड द सॉल्यूशन। सो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने साइन किया एक एग्रीमेंट विद द गलोर नेटवर्क के साथ फॉर द कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट ऑफ एंड टू एंड 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ से यहाँ पर सीधा साधा क्वेश्चन है, नीचे सिंपल कुछ ज़्यादा खास लिखा है ना 5G प्रोडक्ट्स के बारे में कि 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन को हाल ही में कौन से डिपार्टमेंट ने किस डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन किया। C-DOT ने यहाँ पर गलोर नेटवर्क के साथ, गलोर नेटवर्क ने C-DOT के साथ यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया है 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन का। सो दिस इज द क्वेश्चन, C-DOT ने साइन किया एग्रीमेंट गलोर ने C-DOT के साथ। बेसिकली हेडलाइन में से ही क्वेश्चन बनता है, बाकी कुछ इसमें खास क्वेश्चन बन नहीं रहा है 5G रेडियो एक्सेस के लिए। अगली न्यूज है कर्नाटका गवर्नमेंट ने साइन किया है एमओयू टू हेल्प द वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। यहां पर आपका किया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा 2 एमओयू साइन किया है जिसके तहत जो महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उसको यहां पर प्रमोट किया जाएगा और साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग को यहां पर प्रमोट किया जाएगा टू सेल देयर प्रोड्यूस डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को यहां पर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्टली सेल करने का मौका दिया जाएगा, कंज्यूमर्स को डायरेक्टली सेल करने का मौका दिया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा। ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट संजीवनी कर्नाटका स्टेट रूरल लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी एंड नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है, इन्होंने एमओयू एक्सचेंज किया विद द इंस्टीट्यूशंस इन द प्रेजेंस ऑफ द मिनिस्ट्री फॉर लिवलीहुड CN अश्विनी नारायण है। एक एमओयू साइन किया गया IAM बेंगलोर के साथ टू स्केल अप एटलीस्ट 100 to 150 एग्जिस्टिंग वीमेन ओन्ड और वीमेन लैंड एंटरप्राइजेज इन द स्टेट। अनदर एक और साइन किया गया सुभिक्षा, एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है दैट इनटू द ऑर्गेनिक फार्मिंग वुड क्रिएट अ डायरेक्ट लिंकेज यहां पर प्रोवाइड कराएगा कंज्यूमर्स ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सुभिक्षा फार्मर्स टू कंज्यूमर्स ऐप के थ्रू। इसमें 73% ऑन द मार्केट रिटेल प्राइस जो है डायरेक्टली किसानों के खातों में यहां पर पैसा पहुंचा दिया जाएगा। तो यहां पर एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन, पहले तो कर्नाटका कौन से स्टेट ने यहां पर 2 एमओयूज हाल ही में साइन किए हैं वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, वो है कर्नाटका स्टेट ने किए हैं। ठीक है, पहला एमओयू है संजीवनी नाम का, ये एग्रीमेंट है कह लीजिए या फिर एक प्रोग्राम है कह लीजिए, जिसके तहत यहाँ पर आपका संजीवनी प्रोग्राम के तहत आपका IAM बेंगलोर जो है उसमें यहाँ पर जो महिलाओं के द्वारा एंटरप्राइजेस को लीड किया जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बनाया गया है, उसको यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा ताकि उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं वो कंज्यूमर्स तक डायरेक्टली पहुँच सके। दूसरा यहाँ पर है सुभिक्षा नाम का। सुभिक्षा क्या है? सुभिक्षा एक सोसाइटी है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब कि 1 से ज्यादा राज्यों में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है इसका। ओके, सोसाइटीज जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है 2 तरीके से रजिस्टर्ड होती है, एक होती है आपकी स्टेट लेवल पे और दूसरी होती है मल्टी स्टेट, यानी कि स्टेट लेवल पर एक ही स्टेट में वो उसके ब्रांचेस जहाँ पर ये सोसाइटी की हैं वो रहती है, मल्टी स्टेट में वो 1 से ज्यादा स्टेट्स में रहती हैं। अगर पर्टिकुलर एक स्टेट में अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत रजिस्टर होता है, अगर मल्टी स्टेट में कराना है तो सेंट्रल रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पर सुभिक्षा जो है ये सुभिक्षा के तहत यहाँ पर सुभिक्षा फार्मर्स टू कंज्यूमर नाम की ऐप एक लॉन्च की जिसके तहत ऑर्गेनिक फार्मर्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएंगे डायरेक्टली यहाँ पर लोगों को और उसके तहत जो भी पैसा उसको 73% MRP का जो हिस्सा है, MRP मान लें 100 रुपये है तो 73 रुपीज़ डायरेक्टली किसानों के खातों में यहाँ पर चला जाता है। ओके, इसके अलावा इसी मौके पर यहाँ पर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जी ने इनॉग्रेट किया IKEA का स्टोर। IKEA का स्टोर अब तक इंडिया में यहाँ पर आपका 4था ऐसा स्टोर है, ठीक है, और IKEA काफी फेमस एक ब्रांड है स्वीडन का जो कि होम फर्निशिंग से जुड़ा हुआ है। आपको फर्नीचर्स जो हैं, आपको इंटीरियर फर्नीचर जो हैं वो बने बनाए वहां पर मिल जाते हैं, बहुत बड़े स्टोर्स होते हैं। ये 4था आउटलेट है इंडिया का, पहला आउटलेट हैदराबाद में किया गया था, फिर नवी मुंबई में और उसके बाद वर्ली मुंबई में इसका 3रा किया गया था ओपन, अब ये 4था बेंगलुरु में किया गया है। इसका नाम जो है उसके फाउंडर इंगवार कैम्प्रेड एंड दी एलम टार्ड के नाम पर रखा गया है। आप देख सकते हैं इसका नाम, इसकी शॉर्ट फॉर्म इनके नाम की रखी गई है, ठीक है। ओके, चलो अगली न्यूज है यहाँ पर कर्नाटका से आगे चलते हैं। श्री अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया पॉलिसी एंड पोर्टल ऑफ द ई ऑक्शन। सो यहाँ पर अभी तक इंडियन रेलवे जो था, इंडियन रेलवे को किसी भी तरह कंस्ट्रक्शन कराना है, कोई भी रेलवे लाइन ही बिछानी है, किसी भी तरह का यहाँ पर कोई भी टेंडर वो निकालता था वो ऑफलाइन निकालता था। अब उसी टेंडर के प्रोसेस को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। जिस तरह से ई गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है, ई जेम जिसको हम देखते हैं, बहुत बार पढ़ते हैं, उसी तर्ज पर यहाँ पर अब इंडियन रेलवे ने शुरुआत की है। अपने जितने भी टेंडर प्रोसीजर्स हैं उसको यहाँ पर शुरू किया जाएगा, किसके थ्रू? ऑनलाइन किया जाएगा। So Indian Railway ने has taken the steps for commercial earning and non-fare revenue। Non-fare revenue मतलब किसी भी तरह का वो कोई भी चीज और टेंडर निकालते हैं और उससे उनको रेवेन्यू भी जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी चीज़ है जो रेलवे यहाँ पर आपका माल भाड़ा ही लेके जा रहा है तो उसका कोई टेंडर निकाल दिया, ठीक है, कोई सामान लेके आ रहा है उसका टेंडर निकाल दिया, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आपकी नॉन फेयर रेवेन्यू मतलब किराए के अलावा जहाँ से आपका पैसा आता है, तो ये आपका किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन किया जाएगा। इसके थ्रू इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम को शुरुआत की गई है, ई ऑक्शन ऑफ द स्क्रैप सेल, ठीक है। सो ये ऑलरेडी यहाँ पर स्क्रैप सेल यानी कोई भी कचरा वचरा होता है, स्क्रैप होता है जो रेलवे के डिब्बे हो गए, उनको बेचने के लिए ई ऑक्शन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म था। अब यहाँ पर टेंडर्स के लिए भी ई ऑक्शन स्टार्ट किया गया। इसी पॉलिसी के साथ जो भी प्रोसीजर है ऑफलाइन का उसको सिंप्लीफाई किया गया है, डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ावा दिया गया है, एक्सेप्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल टर्नओवर। इसके अलावा एक और चेंज किया गया है कि अगर किसी भी तरह कॉन्ट्रैक्ट जो जिसकी वैल्यू 40 लाख से कम है तो उसके लिए यहाँ पर जो भी टेंडर लगा रहा है उसकी फाइनेंशियल नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइनेंशियल नेटवर्थ हुआ कि उस बंदे की औकात कितनी है, उस बंदे की वैल्यू कितनी है, उसके बंदे के पास कितनी पूंजी है खुद की, उसको हम नेटवर्थ कहते हैं। तो यहां पर वो नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है, फाइनेंशियल टर्नओवर की रिक्वायरमेंट नहीं है कि फाइनेंशियल टर्नओवर मतलब कि उसका कितनी सेल है, कितना वो बेचता है माल वगैरह वगैरह, उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी अगर कोई भी टेंडर 40 लाख तक का है। ये भी एक मेजर चेंज किया गया है। एक ट्रायल किया गया शुरुआत 11 डिवीजन ऑफ द 9 जोन्स में, टोटल 80 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर 128 करोड़ के यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पर अभी फाइनलाइज किए गए हैं। लेट्स सी आगे कैसे ये रहता है। तो एग्जाम पढ़ने से क्वेश्चन यहाँ पर, किसने हाल ही में अपना लॉन्च किया पॉलिसी एंड पोर्टल ऑफ ई ऑक्शन? इंडियन रेलवे ने किया है आपका ऑक्शन लॉन्च। और ये वाला एक रिक्वायरमेंट कितनी अमाउंट का है? 40 लाख का है। कितने टेंडर यहाँ पर पायलट फॉर्म में लॉन्च किए गए? ट्रायल बेसिस पर तकरीबन 80 करोड़, टोटल वैल्यू ऑफ 128 करोड़ लॉन्च किए गए हैं। अगली न्यूज, यूनियन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने एड्रेस किया है CHO GM फॉरेन मिनिस्टर्स प्लेनरी मीटिंग। ओके, सो एक मीटिंग आयोजित की गई फॉरेन मिनिस्टर्स की और ये हुई थी रवांडा में और इंडिया की तरफ से यहाँ पर एस जयशंकर जी वहाँ पर मौजूद थे। ये थी कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग फॉरेन मिनिस्टर्स। सो यहाँ पर कॉमनवेल्थ के नेशंस के जो हेड्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनकी यहाँ पर मीटिंग आयोजित की गई। ये खैर 2 साल से नहीं हो रही थी कोविड की वजह से। कॉमनवेल्थ नेशंस में 54 मेंबर स्टेट्स हैं। कॉमनवेल्थ नेशंस वैसे नेशंस होते हैं जिन पर कभी यहाँ पर ब्रिटेन का यहाँ पर राज था, ठीक है, उनका यहाँ पर हुकूमत चलती, जिससे इंडिया हुआ यहाँ पर आपका। ओके, सो उसी तरह से मीटिंग वाज डिलेड, ये तो हो गया टैग। ओके, इस बार थीम थी डेमोक्रेसी पीस एंड दी गवर्नेंस, ये इसकी इस बार की थीम थी। तो कहाँ पर हुआ पहला क्वेश्चन, थीम क्या थी ये पूछ सकते हैं, और कितने मेंबर्स हैं? 54 मेंबर्स हैं, ये पूछा जा सकता है। इंडिया की तरफ से एस जयशंकर साहब ने इसमें पार्टिसिपेट किया क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग थी। अगली खबर है, वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर अप्रूव किया है हाल ही में 245 मिलियन का लोन टू एक्सटेंड सपोर्ट फॉर रेलवे लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट। सो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 245 मिलियन डॉलर का लोन इंडिया के यहाँ पर एफर्ट्स को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, जिसके तहत वो रेल फ्राइट एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर बढ़ावा देते हैं। रेल फ्राइट मतलब जो माल भाड़ा जो आप किराया लेते हैं रेलवे एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, उसको यहाँ पर मॉडर्नाइज, उसको नई टेक्नोलॉजी के तहत लाया जाएगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाएगा। उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने 245 मिलियन डॉलर का लोन जो है वो प्रपोज किया है आपका इंडिया को, सपोर्ट करेगा रेलवे का। रेल लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट यहाँ पर इंडिया को शिफ्ट करने का मौका देगा, रोड टू रेल लोगों को समझाया जाएगा। अब रोड ट्रांसपोर्ट की वजह रेल ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको सस्ता भी पड़ेगा और आपका समय भी आपका बचेगा। लोन फ्रॉम द IBRD, वर्ल्ड बैंक का बेसिकली एक आर्म है, वर्ल्ड बैंक के कुछ एजेंसीज होती है जिसमें से एक IBRD है। वो यहाँ पर लोन देता है आईबीआरडी यहाँ पर, और ये आईबीआरडी के थ्रू यहाँ पर ये लोन दिया गया है 245 मिलियन का, जिसकी मैच्योरिटी 22 साल की है, ग्रेस पीरियड 7 साल का है। 7 साल तक आपको कुछ नहीं चुकाना है, उसके बाद आपको चुकाना शुरू करना है और 22 साल तक आप चुका देंगे पूरा पूरा लोन। न्यू ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर 3 भी यहाँ पर आपका वर्ल्ड बैंक की मदद से बनाया गया है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर होता है कि एक ऐसी रेलवे लाइन जिसपे केवल और केवल मालगाड़ियां ही चलेगी, उसके अलावा और कोई गाड़ी उसके ऊपर नहीं चलती है, ताकि वो स्मूथली और बहुत ही जल्दी पहुंच जाए एक जगह से दूसरी जगह पे। तो एग्जाम पढ़ने से क्वेश्चन, कितनी अमाउंट का लोन दिया? 245 मिलियन। किसके द्वारा? आईबीआरडी के द्वारा दिया गया है। किसको दिया गया है? इंडिया रेलवेज को, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। कितने टाइम के लिए दिया गया है? आपका 22 सालों के लिए दिए गए विद ग्रेस पीरियड ऑफ दी 7 ईयर्स। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगली न्यूज है यहाँ पर, इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम एट द इजिप्शियन एयरफोर्स वीपन स्कूल। सो इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया किसमें? टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम, जो कि इजिप्ट के एयरफोर्स वेपन स्कूल कायरो वेस्ट एयरबेस में यहाँ पर हुई। IAF participated with the 3 Su-30 MK aircraft with 2 C-17 aircraft and 57 IAF personnel including C-17 contingent। So यहाँ पर आपका इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम, किसके साथ मिलकर? इजिप्ट के साथ मिलकर यहाँ पर किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? कायरो। कायरो इजिप्ट की कैपिटल है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। और इसमें इंडिया की तरफ से आपका सुखोई एयरक्राफ्ट, C-17 एयरक्राफ्ट, 57 IAF पर्सनल इंक्लूडिंग C-17 कंटिजेंट, ये यहाँ पर आपके पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर इंडिया की तरफ से इन्होंने HCL के द्वारा बनाया गया है। एग्जाम पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन, किसके साथ? इजिप्ट के साथ। कहाँ पर? कायरो में। और ये कुछ यहाँ पर हथियार इंडिया की तरफ से, हथियार क्या मतलब, विमान जो कि इस्तेमाल किए गए। अगली न्यूज है, दिनकर गुप्ता जी को अपॉइंट किया डायरेक्टर जनरल ऑफ द NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं। पूर्व पंजाब डीजीपी के, पंजाब के डीजीपी रह चुके दिनकर गुप्ता, अब उनको डीजीपी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अपॉइंट किया गया है। 31 मार्च 2024 तक ये रहेंगे। अगली न्यूज, आरबीआई ने अप्रूव किया श्री वेंकट नागेश्वर चलासनी को एज अ मेंबर इन द एडवाइजरी कमेटी ऑफ द SIFL एंड दी SEFL। सो हाल ही में यहाँ पर आपका जो श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड है, श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड है, जो कि अभी इन पे बैन कर दिया गया था, इन पे काम करने पर रोक लगा दी गई थी, और इंसॉल्वेंसी से बैंक्रप्सी रूल्स के तहत यहाँ पर इनमें एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया गया था, ताकि आगे जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है उसको और स्मूथ किया जा सके। अब इसी के तहत यहाँ पर आपका आरबीआई की तरफ से श्री वेंकट नागेश्वर चलासेनी को अपॉइंट किया गया है वहां पर एक मेंबर एडवाइजरी कमेटी का, जो कि किस तरह से काम करना है श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर श्रेय इक्विपमेंट लिमिटेड को, उसके बारे में यहाँ पर बता रहा है। इसमें अलावा यहाँ पर श्री वेंकट नागेश्वर चलासेनी के अलावा श्री टी श्रीनिवास राघवन, श्री फारूक एंड सुबेदार, ये भी यहाँ पर आपके इसी में कमेटी में यहाँ पर मेंबर के फॉर्म में आपके देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन, हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया इस पर्टिकुलरली कंपनीज के एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमेटी में, उनका नाम और बाकी 2 के नाम भी आपके सामने हैं, और लेटेस्ट इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, IAEA ने लॉन्च किया है आपका ICEMIR फॉर वर्कर सेफ्टी टू NORM। सो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया एक नया डाटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन द ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर इन मेडिसिन इंडस्ट्री एंड रिसर्च दैट टारगेट वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल विच कैन बी टर्म्ड एज द ICEMIRN। सो बेसिकली जितने भी पूरी दुनिया लेवल में जितने भी वर्कर्स आपके काम करते हैं अलग अलग इंडस्ट्री में, लाइक कौन सी इंडस्ट्री? माइनिंग हुई, ऑयल गैस प्रोडक्शन हुआ, मिनरल सैंड्स, वाटर ट्रीटमेंट, मेटल रिफाइनिंग, रिसाइकलिंग, इन सभी में यहाँ पर आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से इनको यहाँ पर दिक्कत आती है आपके वर्कर्स को। उससे से जुड़ा हुआ यहाँ पर आपका वर्कर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने आपकी कुछ चीजें लॉन्च की हैं, और इसके तहत यहाँ पर ICEMIR and can be found through the newly remodeled occupational radiation protection network platform since its launch in June 2022. तो यहाँ पर ये जो एक नया कुछ लॉन्च किया गया इसके बारे में ज़्यादा डिटेल तो है नहीं कि क्या एग्जैक्टली किया जाएगा, जस्ट इसमें थोड़ा सा ब्रीफ दे रखा है कि ICEMIR जो है वो यहाँ पर अभी ऑक्यूपेशनल रेडिएशन प्रोटेक्शन नेटवर्क के प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू यहाँ पर काम करेगा। एंड एक यहाँ पर जो नॉर्म है, जो सेफ्टी है, नॉर्म के थ्रू दी जाएगी। नॉर्म क्या है? नॉर्म एक नेचुरली अकरिंग मटेरियल है जो कि यहाँ पर रेडियो न्यूक्लाइड्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन यूरेनियम-238, थोरियम-238, थ्रू-32, पोटेशियम-40 के, ठीक है, इनके थ्रू होता है। थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, साइंस से जुड़ी हुई है, मुझे भी कुछ इसका खास आइडिया है नहीं कि एग्जैक्टली ये क्या चीज़ें बात कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो डेफिनेटली आप इन सब चीज़ों को समझ पाओगे। अगर मेरे जैसे स्टूडेंट हो तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें याद करने वाला क्या है, क्योंकि ऐसी चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं अमूमन आपको, अगर आपको जब तक समझ ना आए। इसमें सिंपल फिलहाल तो हेडलाइन में चलो। हेडलाइन में क्या कहती है? हेडलाइन कहती है किसने लॉन्च किया ICEMIR वर्कर सेफ्टी के लिए, वो किया है IAEI ने, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक नया लॉन्च किया है। और ये है आपका एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर इन मेडिसिन इंडस्ट्री एंड रिसर्च। ओके, ICEMIR का पूरा नाम है ये, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर इन मेडिसिन इंडस्ट्री एंड रिसर्च इस फील्ड में, ठीक है। ये ICEMIR का यहाँ पर फुल फॉर्म हुआ, यहाँ पर ये आपका किया गया है, इसको ये नाम दिया गया है, ठीक है। तो फिलहाल ये कुछ इसमें देख लो, बाकी नीचे समझ में आता है ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, बस इतना याद कर लो, दैट्स इट, क्योंकि यही आपको याद रहेगा लंबे समय के लिए, नहीं तो भूल जाओगे। इंडिया की रैंकिंग जो है फुटबॉल टीम की, जो फीफा के अकॉर्डिंग वो 104 है आपकी। यहाँ पर इंडिया रैंकिंग अमंग एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन में यहाँ पर इंडिया की रैंकिंग 19वीं है। ब्राजील ओवरऑल पहले स्थान पर रहा है आपका, एंड बेल्जियम दूसरे पे, अर्जेंटीना तीसरे पे आपका, और फ्रांस चौथे स्थान पर आपका रहा है। सो फिलहाल इंडिया की रैंकिंग 104, बाकी रैंकिंग आपके सामने है। इंडिया ने होस्ट किया एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022। ओके, सो यहाँ पर इंडिया ने होस्ट किया एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022, 41st सीनियर, 28 जूनियर एशियन एंड 10th पैरा ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में। तो 3 तरह की साइकिलिंग चैंपियनशिप यहाँ पर आयोजित की गई थी। इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर आपका, और ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजन किया गया था। इंडियन साइकिलिंग टीम ने कंडक्ट की आपका 5वें स्थान को हासिल किया विद द टोटल 23 मेडल्स इन्होंने जीते, 2 गोल्ड, 6 सिल्वर, 15 ब्रोंज। जापान ने टॉप किया इस मेडल टैली को, 12 गोल्ड और 14 सिल्वर एंड 3 ब्रोंज के साथ। साउथ कोरिया केम इन सेकंड, कजाकिस्तान तीसरे स्थान पर रहा। 15 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में यहाँ पर आपका। इंडियन साइकिलिस्ट रोनाल्डो बने पहले इंडियन टू विन द सिल्वर, पहला सिल्वर जीतने वाले पहले इंडियन, पहले भारतीय रोनाल्डो बने यहाँ पर आपका। और रोनाल्डो सिंह बिकम द फर्स्ट इंडियन साइकिलिस्ट टू विन सिल्वर इन द सीनियर कैटेगरी में, इन्होंने यहाँ पर इवेंट में जीता ये सिल्वर मेडल, ठीक है। ये पहले इंडिविजुअल है जिन्होंने इस तरह का कुछ किया है, जीता है। इन द मैन सीनियर 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल इंडियन साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह ने इंडिया का पहला एवर इंटरनेशनल मेडल ये जीता है इस पर्टिकुलरली फील्ड में। 10 किलोमीटर जूनियर मैन कैटेगरी में बिरजीत युमनान इंडिया के लिए ब्रोंज मेडल जीता। ऑन द लास्ट डे चाइनका गोगोई ने ब्रोंज मेडल जीता 10 किलोमीटर के वीमेन स्क्रैच रेस में। ओके, सो यहाँ पर आपका ये हुआ एक इवेंट, इंडिया होस्ट एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप, किस किसने जीता, इंडिया ने कितने मेडल जीते, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये पढ़ लीजिएगा खुद से ही, ठीक है, कुछ खास है नहीं न्यूज़ में। ओके, आज के सेशन में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन पसंद आया होगा आपको। एंड बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लास जो है इसके बाद की जो है वो करंट अफेयर्स वाली वो अभी नहीं कराऊंगा, बाद में कराऊंगा, क्योंकि 7:30 बजे मेरी प्लस क्लास है। एंड ये आपके कुछ खुफिया क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ लीजिएगा अपने लेवल पर, आपको दे रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए PDF में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, इनको आप पढ़ के याद कर सकते हैं। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है @KCard पर, जहाँ पर आपको सारी क्लासेस की PDFs एंड मेरी क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। डेली टू डू लिस्ट, डेली टारगेट चाहिए आपको तो नोटबुक सीरीज आपके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। और मॉक टेस्ट ज़रूर ले लीजिए, अगर आप मेरे जीए कंटेंट पे भरोसा रखते हैं तो मॉक टेस्ट पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। लाइक करना मत भूलिएगा और बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आज का सेशन, ठीक है। और बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास मैं कुछ देर बाद आपको टाइमिंग अपडेट कर दूंगा, क्या लूँगा। अभी फ़िलहाल एक मेरी प्लस क्लास है उसको मैं शुरुआत करता हूँ। टेक केयर, बाय, सी यू, ओके।